बेटा बॉडी फ्लूड्स एंड सर्कुलेशन में, तो ईसीजी में हम लोग बेटा पी वेव के बारे में लिख चुके थे, और हम लोग लिख रहे थे पी आर और पी क्यू सेगमेंट, पी आर सेगमेंट के बारे में लिख रहे थे लास्ट क्लास में, ठीक है। जब ये इंक्रीज होता है बेटा, पी आर सेगमेंट इसकी लेंथ जब बढ़ती है, तो हमने लिखा था एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज होती है ना, एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज, थोड़ा मैं बैठ जाता हूँ। एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्लेक्यूज, फॉर्मेशन ऑफ प्लेक्यूज एंड कैल्सिफिकेशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉरी ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ एट्रिया एंड एवी नोड, मतलब एट्रिया और एवी नोड में बेटा इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज। एंड ब्रैकेट क्लोज एंड यही लिखा था आपने, एंड एक चीज और लिख लो, रूमैटिक फीवर, रूमैटिक फीवर ये भी एक डिजीज है, रूमैटिक फीवर, एथेलो एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज एंड रूमैटिक फीवर, ये दोनों होता है बेटा तब, इन दोनों के केस में पी आर सेगमेंट की लेंथ इंक्रीज हो जाती है। यहां तक ओके है ना सबका, यहां तक ओके है बेटा? ठीक है, अब लिखो क्यू, क्यू एंड आर वेव, क्यू और क्यू क्या होता है बेटा, नेगेटिव डिफ्लेक्शन होता है, क्यू जो होता है वो नेगेटिव डिफ्लेक्शन है, एंड आर वेव, हेडिंग दो एंड आर वेव, इसमें लिखिए व्हेन इट इनलार्ज्ड, व्हेन इट इनलार्ज्ड इट इंडिकेट इंडिकेट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन मतलब होता है बेटा हार्ट अटैक, समझ रहे हो? इसी को हम बोलते हैं बेटा हार्ट अटैक, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को ही हम बोलते हैं हार्ट अटैक। और एक्चुअल में हार्ट ब्लॉक क्या होता है और हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक मीन्स होता है डैमेज ऑफ द का एनी डैमेज ऑफ द कार्डियक टिश्यू, समझ रहे हो? इन दोनों में डिफरेंस हम लोग डिसऑर्डर में पढ़ेंगे बेटा, कार्डियक अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, कार्डियक अटैक क्या होता है, हार्ट ब्लॉक क्या होता है, हार्ट अटैक क्या होता है, सारा डिफरेंस हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? या यही ECG के खत्म होने के बाद ही हम पहले लिखवा देते हैं थोड़ा बहुत उसके बारे में। नेक्स्ट लिखो ST सेगमेंट, नेक्स्ट लिखो ST सेगमेंट। सर बच्चों रुक जाओ एक सेकेंड ना, मैं अभी आ रहा हूं। हाँ, ST सेगमेंट में लिखिए, ST सेगमेंट में लिखो बेटा, इट इज टाइम बिटवीन एंड ऑफ इंपल्स, ई एन डी, एंड ऑफ इंपल्स थ्रू वेंट्रिकल्स एंड इट्स रीपोलराइजेशन,
रिपोलराइजेशन, फिर से लिखो, बोलता हूं, टाइम बिटवीन एंड ऑफ इंपल्स, टाइम बिटवीन एंड ऑफ इंपल्स थ्रू वेंट्रिकल्स एंड इट्स रिपोलराइजेशन, एंड इट्स रिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ इलेवेटेड, इसी में लिखना है नेक्स्ट पॉइंट, इफ इलिवेटेड, इलिवेटेड का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे नॉर्मल, नॉर्मल जो ईसीजी होता है वो ऐसा होता है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है बेटा, ठीक है। इलिवेटेड में क्या हो जाएगा, इलिवेटेड में क्या हो जाएगा, एसटी सेगमेंट का इलिवेशन क्या होगा, ये पी वेव है, ये क्यू आर एस ये देखो ऐसा हो जाए। अगर ऐसा है ग्राफ ईसीजी तो यह, ये क्या शो कर रहा है बेटा, एक्यूट, एक्यूट मायो कार्डियल इन्फ्रैक्शन। याद रखना मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हार्ट अटैक मैंने अभी लिखवाया था, ठीक है ना, किस में, क्यू और आर वेव की बात कर रहे थे हम, ठीक है। और इसमें एसटी सेगमेंट, या ये अगर एसटी सेगमेंट अगर ऊपर चला जाता है तो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन डिजीज को शो कर रहा है वो, ठीक है ना। एक्यूट मतलब कि शॉर्ट टाइम के लिए है ना, एक्यूट शॉर्ट टाइम के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ डिप्रेस्ड, इफ डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड का मतलब क्या है, दूसरा पॉइंट, इफ डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड का मतलब क्या है, एसटी सेगमेंट का ये पी वेव है, ये है बेटा क्यू आर एस, और ये ऐसा हो जाएगा डिप्रेस, दब गया ये, तो ये क्या शो कर रहा है बेटा, ये शो करता है बेटा इनसफिशियंट ऑक्सीजन, इफ इसको फ्लैट भी बोलते हैं, या डिप्रेस के नीचे लिख लो फ्लैट, फ्लैट ब्रैकेट में फ्लैट, डिप्रेस्ड व्हेन फ्लैट हार्ट मसल रिसीव इनसफिशियंट ऑक्सीजन, हार्ट मसल्स रिसीव इनसफिशियंट ऑक्सीजन, हार्ट मसल्स रिसीव इनसफिशियंट ऑक्सीजन, मतलब इसके फ्लैट होने का मतलब ये होता है बेटा कि ऑक्सीजन पूरी तरह पहुंच नहीं पा रही है वहां पे, और नहीं पहुंचने का रीजन जानते हो क्या हो सकता है, एसटी सेगमेंट का वहां ब्लॉकेज है, कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो पी वेव, पी वेव, अगर केवल पी वेव फ्लैट हो गई, मतलब सॉरी टी वेव, टी वेव के फ्लैट होने का मतलब यह है कि ये टी वेव ये तो नीचे आया था, मतलब नॉर्मल में यहां पर होना चाहिए था, ये नॉर्मल में, या ये थोड़ा सा ऐसे मैंने बना दिया है, इलिवेशन समझ गए, और डिप्रेस्ड का मतलब ये है कि ये ऐसा हो जाए ऐसा, ठीक है। और अब टी वेव के फ्लैट होने का मतलब क्या है,
तो अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, टी वेव। टी वेव में बेटा दो दो चीज हो सकती है। अगर ये मान लो फ्लैट हो गया, फ्लैट होने का मतलब ये है कि ये पी वेव है, ये क्यू आर एस, और ये नॉर्मल के तरफ मतलब सीधा है, लेकिन ये ऐसे हो गया, ऐसा ये देख रहे हो। टी वेव के फ्लैट होने का मतलब केवल टी वेव फ्लैट हुआ है, पूरा सेगमेंट नहीं हुआ है। यहां पे पूरा सेगमेंट था, समझ रहे हो। अगर फ्लैट हो गई तो इसका क्या मतलब है कि इनसफिशियंट ऑक्सीजन उधर पहुंच रही है ना। तो इसमें लिखिए इफ फ्लैट इनसफिशियंट ऑक्सीजन इसी में लिखना है, इनसफिशियंट ऑक्सीजन रिसीव बाय द हार्ट मसल्स। दोनों के केस में वही होगा, ठीक है, यहां भी और यहां भी। सो इंडिकेट एथेरोमा, एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज, ठीक है। इफ एलिवेटेड, अगर मान लो एलिवेटेड का मतलब ये है बेटा कि ये पी वेव है, ये क्यू आर एस, एलिवेटेड का मतलब ये हुआ कि खूब बड़ा हो जाए, ऐसा। इफ एलिवेटेड तो इसका क्या मतलब हुआ, इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, इंक्रीज सॉरी पोटेशियम लेवल इन ब्लड, और इसी को बोलते हैं बेटा हाइपर कैलमिया। हाइपर कैलमिया बोलते हैं इस डिजीज को, हाइपर कैलमिया, ठीक है, हाइपर कैलमिया, ठीक है। यहां तक ओके है सबका, यहां तक क्लियर है बेटे, यहां तक क्लियर है। हम लोग सारा कुछ पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, यहां तो मैं बस लिखवा रहा हूं, ठीक है बेटा। अब लिखो क्यू आर एस, बहुत अच्छा, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। यथार्थ लेफ्ट कर गया, बीच बीच में लेफ्ट रहते हैं लोग, करते रहते हैं। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, QRS कॉम्प्लेक्स में लिखियो, इट कंप्लीटेड जस्ट बिफोर QRS कॉम्प्लेक्स, इट कंप्लीटेड जस्ट बिफोर सेमी ओपनिंग ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल, जस्ट बिफोर opening of semilunar valve, next point, इसी में atrial repolarization, repeat, okay, देख लो, it completed just before opening of semilunar valve, it completed just before opening of semilunar wall. Semilunar wall open होने के पहले just ये complete हो जाता है QRS complex, ठीक है, मतलब वो यहां पर open हो जाएगा, है ना, यहां पर open होगा, मतलब कि ये इंफॉर्मेशन दे दिया डिपोलराइजेशन के लिए, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर सेमिल्यूनर वॉल से उसके तरफ जो है बढ़ेगा, ब्लड जाएगा पल्मोनरी ट्रंक में और अबोटा में जाता है,
नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, एट्रियल रीपोलराइजेशन, एट्रियल रीपोलराइजेशन इन दिस टाइम, एट्रियल रीपोलराइजेशन अकर इन दिस टाइम, इन दिस टाइम। ई सी जी कंप्लीट हुआ, थोड़ा सा बेटा हम लोग अब ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स को हम बोलते हैं बेटा एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी। और एंजियोलॉजी, फादर ऑफ एंजियोलॉजी हम बोलते हैं बेटा हम एम मैलपीगी को, है ना, मैलपीगी। अब ये मान लीजिए, ये मान लो टिश्यू है, हम जानते हैं ह्यूमन में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और इसमें ये ब्लड वेसल है बेटा, ये है ब्लड वेसल, ये यहां पे ऐसे गई इस तरह से, है ना। ये देखो बेटा, ये बॉडी टिश्यू है या बॉडी के सेल्स हैं जिनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और कहां से लेगा बेटा, मान लो ब्लड का फ्लो इधर से है तो जो ब्लड टिश्यू तक लेके जाता है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं बेटा, आर्टरी, ठीक है। जो फ्रॉम टिश्यू टू टुवर्ड्स द हार्ट ब्लड लेके जाता है वो वेन्स होते हैं, वेन, वेन में डीऑक्सीजनेटेड मतलब कि CO2 का अमाउंट ज्यादा होगा और आर्टरी में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होगा, ये जानते हो आप लोग, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके फ्लो करती है वेन, जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करती है बेटा। टिश्यू के पास दोनों की ब्रांचिंग हो जाती है और ये कॉन्टिन्यूस है, देख रहे हो कहीं से बीच में ब्रेकअप नहीं है, तो यहां से ऑक्सीजन निकल जाएगा या न्यूट्रिएंट निकल जाएगा बेटा, यहां पे न्यूट्रिएंट आ जाएगा और इसमें टॉक्सिक मटेरियल इंटर कर जाएगा, मतलब कि CO2 या नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट्स जो है इस ब्लड में आ जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्रांचिंग ऑफ, फाइन ब्रांचिंग ऑफ आर्टरी इज कॉल्ड, इज कॉल्ड फाइन ब्रांचिंग ऑफ आर्टरीज इज कॉल्ड आर्टेरियोल, बिल्कुल, एंड फाइन ब्रांचिंग ऑफ वेन्स इज कॉल्ड वेन्यूल्स, ठीक है ना, वेन्यूल्स। अब देखो आर्टरी और वेन्यूल्स को एक साथ क्या बोलते हैं बेटा, ब्लड कैपिलरीज, इसको ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है। अब हम आर्टरी और वेन का ट्रांसवर्स सेक्शन काटे तो देखेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसकी स्टडी करेंगे अब हम, ठीक है, आर्टरी और वेन की। तो इसको मैं मिला दूं,
अब बेटा हम आर्टरी और वेन का ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तो कुछ हमें ऐसा दिखाई देता है, ये है आर्टरी और ये है आर्टरी का ल्यूमेन, अंदर का ल्यूमेन ये है बेटा, ये है वेन, है ना, वेन का ल्यूमेन ये है, ये है ल्यूमेन, मतलब उसमें कैविटी जो है ट्रांसवर्स सेक्शन है, और ये है किसका, आर्टरी का ल्यूमेन। तो देख छोटा है, ये आउटर इनर ट्यूनिका एक्सटर्ना, इस दोनों के आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्यूनिका एक्सटर्ना, और ये दोनों की मिडिल लेयर है, ये दोनों की मिडिल लेयर है बेटा, ये दोनों की मिडिल लेयर है, ये पहली लेयर है, दूसरी लेयर जो है दोनों की जो मिडिल लेयर है इसको बोलते हैं हम ट्यूनिका मेडिया, और जो इनर मोस्ट लेयर है बेटा सबसे अंदर वाली उसको बोलते हैं तीसरी लेयर ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटर, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दें, ट्यूनिका इंटरना या इंटीमा भी बोलते हैं, ट्यूनिका इंटीमा भी बोलते हैं या ट्यूनिका इंटरना भी बोलते हैं, समझ रहे हो। अच्छा, जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है बेटा उसमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना इज मेड बाई फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इसको ट्यूनिका एडवेंटिसिया भी बोल सकते हैं बेटा, ट्यूनिका एडवेंटिसिया भी बोलते हैं, ट्यूनिका एडवेंटिसिया, और जो ये ट्यूनिका मीडिया होता है बेटा यही जो है अल्टर करता है दोनों के वॉल को, थिक वॉल इसकी है, थिन वॉल इसकी है, ठीक है ना, और ये स्मूथ मसल्स की बनी होती है, मेड बाय स्मूथ मसल्स, और स्मूथ मसल्स में कौन सा, सर्कुलर मसल्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टरनेशन ऑफ डायामीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के डायामीटर को घटाने बढ़ाने का काम कौन करता है, यही स्मूथ मसल्स, ट्यूनिका मीडिया, इन बोथ आर्टरी एंड वेन दोनों में, समझ रहे हो। और ये जो होती है ट्यूनिका इंटरना बेटा, ये इनर मोस्ट लेयर होती है, और ये मेड बाई फ्लैट एपिथेलियल सेल्स, फ्लैट एपिथेलियल सेल्स की ये बनी होती हैं, और इसी को हम इंडोथीलियम भी बोलते हैं, और इंडोथीलियम भी बोलते हैं इसको। यहां तक क्लियर है बेटा, या किसी को कोई डाउट है तो मैं फिर से बताऊं, किसी को कोई डाउट है, ये आर्टरी है और ये वेन है, ये आर्टरी है बेटा और ये वेन है, यहां तक ओके है, बताओ, नो डाउट, ठीक है, बहुत आसान है, इसमें क्या, अब डिफरेंस दोनों में लिख लेते हैं हम, यहां तक ओके है। ल्यूमेन याद रखना कि ल्यूमेन किसका बड़ा होता है, वेन का, आर्टरी का ल्यूमेन छोटा होता है बेटा, देख लो आर्टरी का ल्यूमेन छोटा है, ठीक है, आर्टरी का ल्यूमेन छोटा है। चलो पहले में लिखो बेटा आर्टरी और इधर लिखिए वेन, ठीक है, पहला
इसमें पहला डिफरेंस क्या लिखे बेटा, इसका वॉल थिक होता है, थिक वॉल, और ये थिन वॉल होती है, ठीक है, आर्टरी की वॉल थिक होती है ना। ल्यूमेन क्या होता है बेटा इसका, नैरो ल्यूमेन, आर्टरी का ल्यूमेन जो है नैरो होता है बेटा, और इसका क्या होता है, वाइड ल्यूमेन, वेन का जो है ल्यूमेन बड़ा होता है। और नेक्स्ट डिफरेंस ब्लड कैरी, मैं बोल रहा हूं लिखो, आर्टरी में लिखो, ब्लड कैरी अवे फ्रॉम द हार्ट, ब्लड कैरी अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, और वेन में क्या लिखेंगे, टुवर्ड्स द हार्ट, टुवर्ड्स द हार्ट। नेक्स्ट पॉइंट आर्टरी में लिखेंगे, मोस्टली 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 आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मोस्टली आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, आप लोग जानते हो, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। वेन में लिखो, मोस्टली कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, CO2 रिच ब्लड, CO2 रिच ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। एक चीज और है बेटा, इसमें से वाल्व किसमें पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है, वाल्व किसमें पाया जाता है, आर्टरी में या वेन में या दोनों में, या दोनों में नहीं, वेन में, शाबाश बेटा, क्योंकि वेन को बेटा, वेन को नीचे से देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ब्लड को पहुंचाना होता है हार्ट में, तो जगह जगह अगर वॉल्व नहीं लगे रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी, जो ब्लड ऊपर चढ़ गया वो ऊपर रुका रहे, है ना, आगे ऊपर बढ़ता रहे, तो वेन्स में बेटा वाल्व पाया जाता है, आर्टरी में नहीं पाया जाता। तो क्या लिखा आपने, आर्टरी में लिख दो नो वाल्व, और वेन में लिखो वाल्व प्रेजेंट विच प्रिवेंट बैक फ्लो, आर्टरी में लिखना है नो वाल्व, और वेन में लिखना है वाल्व प्रेजेंट विच प्रिवेंट बैक फ्लो। लाइन क्यों आने लग रही है, नेक्स्ट लिखिए, आर्टरी में ब्लड फ्लो विद हाई प्रेशर, आर्टरी में लिखो ब्लड फ्लो विद हाई प्रेशर, ब्लड फ्लो विद हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर, और वेन में लिखो लो प्रेशर। ऐसा इसलिए बेटा कि ल्यूमेन जो है चौड़ा है वेन का, तो प्रेशर कम हो जाएगा थोड़ा, आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आर्टरी में लिखिए, मोस्टली डीप सीटेड, एस ई ए टी ई डी, मोस्टली डीप सीटेड मतलब अंदर होती हैं बॉडी में आर्टरी, मोस्टली डीप सीटेड, और वेन में लिखेंगे मोस्टली सुपरफिशियल, बाहर बाहर ऊपर से दिखता है हमें, नेक्स्ट पॉइंट आर्टरी में लिखिए, ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो जर्की, जे ई आर के ई वाई, जर्क के साथ बेटा, और डिसकॉन्टिन्यूअस, ब्लड फ्लो जर्की और डिसकॉन्टिन्यूअस, लिख लो तो बताता हूं, ड्यू टू हार्ट बीट, ड्यू टू हार्ट बीट,
वेन में लिखेंगे ब्लड फ्लो कॉन्टिन्यूअस, ब्लड फ्लो कॉन्टिन्यूअस। अब देखो क्या होता है कि क्या होता है बेटा कि जो आर्टरी है उसमें ब्लड बार बार हार्ट बीट के कारण बेटा एक ऐसे फोर्स जाती है फिर रुकती है, फिर जाती है फिर रुकती है, तो एक वेव के जैसा वहां पे बनता है कुछ दूर तक आर्टरी में, तो इसको हम जर्क बोलते हैं, है ना, जर्की या डिसकंटिन्यूअस ब्लड का फ्लो है। और उसी से बेटा पल्स भी बनती है ना, अभी मैं बताने जा रहा हूं आपको, पल्स रेट अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो यहां तक ओके है, यहां तक ओके है बच्चों, आर्टरी और वेन कंप्लीट हो गया, आर्टरी और वेन कंप्लीट हो गया, तो मैं आगे बढ़ूं। चलो बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। चलो इसमें पहला पॉइंट लिखो, प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन आर्टरी और वॉल ऑफ आर्टरी, प्रेशर, इट इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय, EXERTED, एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल, ऑन द वॉल ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। फिर से बोल देता हूं, ब्लड प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर एंड इट इज मेजर्ड बाय, एंड इट इज मेजर्ड बाय स्फैग्मो मैनोमीटर, स्फैग्मो मैनोमीटर, बिल्कुल बढ़िया, स्फैग्मो मैनोमीटर से इसको क्या करते हैं बेटा, मेजर करते हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये दो तरह का होता है टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर, पहले मैं बता दे देता हूं, तो क्या क्या पता सब लोगों को नहीं पता होगा बेटा। ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, ठीक है, नॉर्मल ब्लड वेसल है, इमेजिन करो इसमें कोई भी ब्लड नहीं है, इसमें ब्लड नहीं है, नो ब्लड, ठीक है, इसमें ब्लड नहीं है। और ये भी ब्लड वेसल है, इसमें है ब्लड है, तो ब्लड जैसे ही इसमें आया बेटा इसका डायामीटर बढ़ गया, क्यों, कीज में जो ब्लड है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है इधर के तरफ वॉल पे भी, इधर सभी वॉल पे अप्लाई कर रहा है ये, ठीक है, और इधर को भी फोर्स है, दो तरह का फोर्स है बेटा इस ब्लड में, एक तो सेंट्रल प्रेशर है और एक पेरिफेरल प्रेशर है। इस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पेरिफेरल प्रेशर, और इस प्रेशर को बोलेंगे बेटा हम सेंट्रल प्रेशर, सेंट्रल प्रेशर। तो इस पेरिफेरल प्रेशर को हम देखो, डायमीटर इसका कम था, इसका डायमीटर बेटा कम था, अभी इसका डायमीटर बढ़ गया है, इसका डायमीटर बढ़ गया है, देख रहे हो, तो जितना इसने अप्लाई किया वॉल पे इसको हम मेजर कर सकते हैं बेटा इस फैग्मो मैनोमीटर से कि कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है। लेकिन बेटा एक बात है, जैसे मान लो ये पॉन्ड वाटर है,
तालाब है ये, पानी बिल्कुल स्टिल है। आपने यहाँ पे एक कंकड़ फेंक दिया, पत्थर फेंक दिया बेटा, तो यहाँ पे एक वेव बनेगी और ये यही यही वेव यूं करती हुई आगे बढ़ती है, समझ रहे हो? फिर आपने एक डाला, फिर वेव बनी, फिर आपने डाला, फिर वेव बनी, तो ऐसे थोड़ी देर बाद देखोगे कि ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पर ऐसे बहुत सारी वेव नजर आएंगी आपको पानी में, समझ रहे हो बात को? कई सारी वेव ऐसे एक साथ नजर आएंगी, क्लियर है यहां तक? होता क्या है बेटा, और एक चीज और है, मान लो एक कैनाल है, नाली है छोटी सी, यहां पे आप यहां से पानी का सोर्स यहां पे है, आप बाल्टी का पानी, एक बाल्टी आपने यहाँ पे गिरा दिया, फिर यहां से निकाल के एक बाल्टी गिराया, फिर आपने निकाल के एक बाल्टी गिराया, फिर तो यहाँ पे तो आप एक टाइम इंटरवल के बाद पानी को यहाँ पे सप्लाई कर रहे हो, लेकिन 100 मीटर की दूरी पे जाकर देखोगे बेटा इस नाली में, तो यहाँ पे पानी जो है कॉन्टिन्यू आपको दिखाई देगा, कॉन्टिन्यू वाटर का फ्लो दिखाई देगा, लेकिन एक हल्की सी वेव बनेगी इसमें, यहां भी एक हल्की सी वेव बनेगी, समझ रहे हो? ठीक इसी तरह से ये मान लो, ये बेटा मान लो हार्ट है, ऐसा कुछ है, ये तो पल्मोनरी आर्टरी हो गई, और ये अवोर्टा है बेटा, ये अवोर्टा है, इधर से ये पंप करके वेंट्रिकल पंप कर रहा है बेटा इधर को, तो ब्लड इधर गया रुक गया, गया रुका, 70 ml रुका, 70 ml रुका, फिर 70 ml रुका, ये स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। तो ये जो ये तो अबोर्टा है बेटा, इसकी एक ब्रांच है इधर मान लो, तो इस आर्टरी में ब्लड एक वेव के साथ फ्लो करेगा कि नहीं? एक वेव के साथ फ्लो करेगा ऐसे, मतलब जैसे ही ब्लड हार्ट ने ब्लड को पंप किया, थोड़ा सा डायमीटर बढ़ेगा आर्टरी का, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा। अब देखो, ठीक है, तो जैसे ये सिस्टोल कंडीशन में आएगा बेटा तो आर्टरी में प्रेशर बढ़ेगा, डायस्टोल कंडीशन में आएगा तो आर्टरी में प्रेशर कम होगा लेकिन रहेगा। अब चलो यहां तक समझ में आ गया होगा, तो अब इसी को हम आगे बताते हैं। इधर देखो, ये आर्टरी है जिसमें कि ब्लड नहीं है, नो ब्लड, और इसमें ब्लड है जो जा रहा है, ठीक है, आराम से जा रहा था ब्लड, तब तक क्या हुआ बेटा कि इसमें फिर से हार्ट ने ब्लड को स्ट्रोक वॉल्यूम इसमें पंप कर दिया, तो ये जो है बेटा ये और थोड़ा सा चौड़ा हो गया, देखो डायमीटर और बढ़ गया क्योंकि प्रेशर और बढ़ गया ना इस पे, तो इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। मतलब कि देखो ये नॉर्मल नॉर्मल डायमीटर था ब्लड के, ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू फ्लो कर रहा है, लेकिन बेटा जब इसमें ब्लड प्रेशर के साथ आ रहा है तो ये और ऊपर जा रहा है, देखो इतना ऊपर, मान लो ये इतना ऊपर जा रहा है, ये सिस्टोलिक प्रेशर है, ये वेव है, ये ब्लड का वेव है बेटा, और यही वेव आगे बढ़ता चला जाएगा, और ये वेव जनरेट कौन किया है बेटा? सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ द वेंट्रिकल, सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ द वेंट्रिकल, ठीक है, तो ये यहां पे जाएगा सिस्टोलिक प्रेशर, जैसे ही डायस्टोलिक कंडीशन में हार्ट आएगा वेंट्रिकल्स, तो ये यहां से घट के बेटा यहां पे आएगा, फिर यहां पे आएगा, फिर यहां पे आएगा, फिर यहां पे, फिर यहां पे, मतलब ये यूं चलता रहेगा, जब ब्लड इसमें बिल्कुल नहीं रहेगा बेटा तब ये यहां पे आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में आई या नहीं आई तो फिर से मैं बताऊं, हां या ना लिखो जल्दी, अच्छा समझ में आ गया बिल्कुल। तो बेटा अगर ब्लड नहीं है तो ये यहां पर है, ब्लड है तो यहां पर है बेटा, ब्लड है तो ये यहां पर है, और जैसे ही सिस्टोलिक प्रेशर है वो यहां पे है, तो ये जो ऊपर इतना जो ऊपर नीचे हो रहा है बेटा ये यही क्या है, ये पल्स प्रेशर है, ये जो है ये पल्स प्रेशर है, और इस पर जो ये प्रेशर है ये डायस्टोलिक प्रेशर है, और ये यहां पर कौन सा है, ये
सिस्टोलिक प्रेशर है। तो प्रेशर तीन तरह का है बेटा, प्रेशर तीन तरह का है। एक है बेटा डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। एक है सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, और तीसरा है बेटा पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर। तो पल्स डायस्टोलिक प्रेशर जो है कितना होता है, सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा होगा, जैसे हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बेटा तो वो प्रेशर ज्यादा होगा। सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, लगभग 120 mmHg, ठीक है। mmHg में मेजर करते हैं बेटा, mmHg का मतलब क्या है, मिलीमीटर हाइड्रागायरम, जो पारा मरकरी हाइड्रागायरम जो ऊपर चढ़ता है उसी से। और इसका होता है 80 mmHg डायस्टोलिक। तो दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस पल्स प्रेशर होगा, मतलब पल्स प्रेशर इज इक्वल टू 120 माइनस 80 इज इक्वल टू 40। पल्स प्रेशर इज इक्वल टू 120 माइनस 80 इज इक्वल टू 40 mmHg। नॉर्मल की बात कर रहा हूं मैं, पल्स प्रेशर की बात, काउंटिंग की नहीं, पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर की बात कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ पल्स की बात, पर मिनट की बात नहीं कर रहा मैं। यहां तक समझ में आया आपको? मतलब प्रेशर, प्रेशर विद इन द, प्रेशर एग्जर्टेड बाय द ब्लड विद इन द आर्टरी, विद इन द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर, एंड ब्लड प्रेशर विद इन द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, बिल्कुल वेंट्रिकुलर डायस्टोल इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg, ठीक है। पल्स प्रेशर दोनों का डिफरेंस होगा बेटा। अब पल्स को मेजर कैसे करते हैं, चलो देखो, ये मेरा हाथ है और ये थंब है मेरा, है ना, ये दो अंगुलियां मेरी हैं, ठीक है। इन दोनों को इस थंब के साइड में यहां पर रखनी है, देख लो यहां पर ऐसे, और इसको इस थंब को यहां पे लगाना है और इधर से दबाना है बेटा जोर से, ठीक है ना। यहां पे देखो आपका पल्स मिल जाएगा, ऐसे ब्लड वेसल्स कर रही होगी उसमें, है ना, बीटिंग हो रही होगी, देख लो, चेक करो, मिला थंब के तरफ, थंब के तरफ मिल गया। तो काउंट करो, पर मिनट काउंट करने हैं, दोबारा बताओ। ये बेटा देखो हमारा लेफ्ट, लेफ्ट देखो इधर, ये लेफ्ट साइड है ना मेरा, इस थंब, थंब को देखो, थंब को, थंब के पास इसके सीध में देखो, इसके सीध में एक बिल्कुल यहां पे, यहां पर देखो, ये पोजीशन है। इसी पोजीशन को हमें प्रेस करना है इन दो फिंगर से, दूसरे हाथ के यहां दबाया इसको और इस थंब को पीछे लगा दो ताकि यहां पे प्रेशर पड़ सके, और इसे दबा के देखो, इससे यहां पे आपको प्रेशर दिख जाएगा, पल्स मिल जाएगी, आर्टरी मिल जाएगी बेटा जिसमें की बीटिंग हो रही होगी, देखो चेक करो, मिल गया। अब इसको काउंट करना है बेटा, 15 सेकंड में काउंट करो कितनी बार आया, 15 सेकंड में कितनी बार बीट किया इसने, 15 सेकंड में कितनी बार बीटिंग हुई है, टेन, नहीं काउंटिंग गलत है। अगर बेटा ये 20 प्लस हो जाए 15 सेकंड में तो समझ लो फीवर है, समझ रहे हो, 20 से ऊपर जाएगा तो, क्यों 15 सेकंड में 20 टाइम्स हो रहा है तो उसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो पर मिनट निकल जाएगा, और पर मिनट 75 या 80 से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कि बीटिंग फास्ट है, मतलब हार्ट रेट ज्यादा है, मतलब ड्यूरिंग फीवर में ऐसा होता है। तो आप, सर हमको फीवर है, तो देख लो बेटा और ज्यादा होगा, फिर और ज्यादा होगा, ये 17, अब सही से काउंट नहीं कर पा रहे हो आप लोग, थोड़ा सा बढ़ जाता है पल्स रेट, बढ़ जाता है ना, फीवर में पल्स रेट देख के बताया जा सकता है बेटा फीवर है या नहीं है। पहले के लोग तो हाथ देखते ही थे, बस हाथ देखते जान जाते थे, है ना, घड़ी देखते थे। तो आपको पल्स समझ में आ गया, डायस्टोलिक प्रेशर समझ में आ गया, सिस्टोलिक प्रेशर समझ में आ गया। अब लिखो आप, अब लिखो डायस्टिस टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर, पहला लिखो
सिस्टोलिक प्रेशर, नंबर वन हेडिंग दो, सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर में लिखिए, इट इज द प्रेशर विद इन द आर्टरी, इट इज द ब्लड प्रेशर विद इन द आर्टरी, इट इज द ब्लड प्रेशर विद इन द आर्टरी, विद इन द आर्टरी ड्यूरिंग ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। फटाफट लिखो, फटाफट, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इट इज अबाउट 120 mmHg, 120 mmHg। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर में लिखिए, इट इज द प्रेशर ऑफ ब्लड विद इन द आर्टरी, इट इज द प्रेशर ऑफ ब्लड विद इन द आर्टरी, विद इन द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इट इज अबाउट 80 mmHg। अब लिखो पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर इज इक्वल टू सिस्टोलिक, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एंड दिस इज इक्वल टू 120 माइनस 80 इज इक्वल टू 40 mmHg, 40 mmHg। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ इफ ब्लड इफ बीपी इंक्रीज, इफ बीपी इंक्रीज या हायर देन 140/90, मतलब कि सिस्टोलिक 140 और डायस्टोलिक 90 से अबव जाता है बेटा, तो इसको बोलते हैं बेटा हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। ठीक है, इसी को बोलते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ बीपी इंक्रीज, इफ बीपी इंक्रीज 220 लिख सकते हो या 200 भी लिख सकते हो, 220 by 120, मतलब नीचे वाला 120 हो जाए ऊपर वाला 220 हो जाए बेटा, तो ये ब्लड वेसल्स को तोड़ सकता है, मतलब रप्चर कर सकता है, है ना। इट कैन लीड टू, इट कैन लीड टू, लीड टू हीमोरेज, मतलब हीमोरेज मतलब ब्लीडिंग, इट कैन लीड टू हीमोरेज, HEMORRAGE, हीमोरेज इन ब्रैकेट रप्चरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, रप्चरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स और ब्रेन हीमोरेज, और ब्रेन हीमोरेज मतलब ब्रेन में ब्लड वेसल्स का रप्चर हो जाना, है ना। इसी को बोलते हैं बेटा स्ट्रोक, STROKE, स्ट्रोक, स्ट्रोक नहीं स्ट्रोक। ठीक है, तो यहां तक हमने कर लिया बेटा, और इसको स्फिग्मोमैनोमीटर का जो एक जो देखा होगा आप लोगों ने कैसा होता है उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल हम नहीं बता रहे हैं, है ना। अब बेटा लिखो हेडिंग दो हार्ट बीट, हार्ट बीट। टाइम हो गया है तो अब हम लोग कल करेंगे इसके आगे।